अंजन है, इसके बिना दृष्टि नहीं आएगी। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। उनका संग, संग माने खाली ऐसे नहीं होता है कि लेक्चर सुनी आए चले गए, उसको संग नहीं कहते हैं। संग का अर्थ होता है आसक्ति, भगवत भक्तों में आसक्ति रखी जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आसक्ति बंधन है, ममता बंधन है। ये सब भक्ति संबंध से ही दिव्य बन करके अजीव का कल्याण करते हैं। संग माने खाली लेक्चर सुन के चले गए, ऐसा नहीं होता है। हर शब्द का बड़ा गहरा अर्थ होता है। संगो य संसृतेर हेतु रससु भीतु धिया, सएव साधुषु कृतो मोक्ष निसंगत्वाय कल्पते। जो आसक्ति 84 लाख योनियों में घुमाती है, वही आसक्ति। संगो यह संसृतेर हेतु, आसक्ति ही 84 लाख योनियों में घुमा रही है। सए वही आसक्ति भगवत भक्त में हो गई तो निसंगत्व आए, संसार से निसंग हो जाता है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो युधुः। प्रसंग माने आसक्ति, आत्मा का अजर पाश है कि जो बंधन कभी जलता नहीं है। मनुष्य मर जाता है, उसको लोग चिता में फूंक देते हैं, शरीर फूंक जाता है लेकिन आसक्ति नहीं फूंकती। जहां पैदा होगा कुत्ता बनेगा, कुतिया से प्रेम करेगा, वहां पिल्ले पैदा करेगा, गधा बनेगा तो गधी से आसक्ति करेगा। तो आसक्ति आत्मा का अजर पाश है, ये जलती है केवल भगवान और भगवत भक्तों की आसक्ति से। जैसे भगवान में आसक्ति होती है, वैसे भक्त में होनी चाहिए। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।